हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या मौर्य आप लोगों का फिर से सुरस्ती आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉड्यूल 3 पेपर जो कि कम्युनिकेशन पर आधारित है, यह पेपर नीमी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और इस चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, अब मैं आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए अब क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है काइजन। काइजन मीन्स, काइजन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है ए सेल्फ डिसिप्लिन, बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी स्टार्टिंग आउट, डी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन जो वर्ड है ये जापान के वर्ड से लिया गया है। तो इसमें क्या है, काइजन मीन्स, काइजन का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है सेल्फ डिसिप्लिन, बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी स्टार्टिंग आउट, डी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन जो वर्ड है ये आप लोगों का जो है ये एक जैपनीज वर्ड है जो कि दो शब्दों से बना हुआ है। पहला पहला वर्ड है आपका कांजी, जिसके मतलब होता है चेंज, और दूसरा वर्ड है जेन, जिसका मतलब होता है गुड। हम अपने काम में और अच्छा करने के लिए जो चेंज लाते हैं वही काइजन कहलाता है। काइजन को हम दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं चेंज फॉर द बेटर। हम अपने काम में जो लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं उसका ही मतलब होता है काइजन। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि कंटिन्यू डी ऑप्शन जो है उसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब हम जो लगातार अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काइजन कहते हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड, फिर आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें इस आपकी ये चारों ऑप्शन में जो सही है उसको आपको भरना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरप्टिंग, सेकंड ऑप्शन है एग्रीइंग, सी ऑप्शन है समराइजिंग, डी ऑप्शन है इम्फेसाइजिंग अ पॉइंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सक्यूज मी आई वुड, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ कहीं ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं और वहाँ पे अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है तो आप यही बात कहते हैं एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का मतलब होता है बीच में रोकना या बीच में टोकना, और एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करें। तो जब हम अपनी कोई बात किसी से कहना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो हम वहाँ पे कहते हैं एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, मतलब क्षमा कीजिए मैं आपको बीच में रोक करके अपनी बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। हम जो आपस में बात करते हैं, चाहे दो लोगों के बीच चाहे बहुत से लोगों के बीच, हम अपने विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका दो तरीकों का होता है, एक वर्बल दूसरा नॉन वर्बल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। हम जो बिना कोई शब्द के बिना कोई शब्दों का इस्तेमाल किए हुए जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके ए वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब मुंह से बोलना, मुंह से बोल करके जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम अपने बातों को मुंह से बोल करके या मौखिक रूप से हमने जो बोल दिया वो वर्बल कम्युनिकेशन। बी पिक्टोरियल कम्युनिकेशन,
पिक्चर दिखा करके जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन है रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख करके बात करते हैं वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। और डी ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम कोई भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डी, डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी एक काम के प्रति हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित, यानी कि अपने तन मन से हम जिस काम पे लग जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेडिकेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को अगर हम किसी काम को पूरी तरीके से करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं उसको, उसके ऑप्शन है ए कॉन्फिडेंस, बी कमिटमेंट, सी इंटेलिजेंस, डी इंटीग्रिटी। आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता। हम जिस काम के लिए एकदम प्रतिबद्ध होते हैं कि यह काम हमें पूरी तरीके से सही करना है तो इसको हम क्या कहते हैं, कमिटमेंट। तो यहाँ पे आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर इज कॉल्ड, ये देखिए अभी आपका जो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले का इसके जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है कि डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। हम किसी काम के प्रति जो पूरी तरह से डेडिकेट हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आप लोगों को ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रिटी, बी ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, सी ऑप्शन है कमिटमेंट, डी ऑप्शन है इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमिटमेंट। आइए अगले सवाल पे, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंशन यानी कि इसको हम बड़े शब्दों में क्या लिखते हैं। पहला ऑप्शन है सिंपल मैसेज सर्विस, बी ऑप्शन है शॉर्ट मेल सर्विस, सी ऑप्शन है सिंपल मेमो सर्विस और डी ऑप्शन है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो इसका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, आप लोग इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर स्मार्ट गोल, एस स्टैंड फॉर स्मार्ट, स्मार्ट में जो एस है वो क्या, किस लिए, किस शब्द के, कौन सा शब्द उस पर फिट बैठता है, ये पूछा गया। फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर, ए ऑप्शन है सोशल, बी ऑप्शन है साइंटिफिक, सी ऑप्शन है स्पेसिफिक और डी ऑप्शन है स्ट्रेंथ। आइए स्मार्ट, स्मार्ट का पहले आपको फुल फॉर्म जानने की बहुत ज़रूरत है। एस, एस मतलब होता है स्पेसिफिक और एम, एम मतलब होता है मिजरेबल। ये चाहे तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ए फॉर अचीवेबल, और आर का मीन्स होता है रिलीवेंट, और टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो आपको ये देख के समझ में आ ही रहा होगा कि एस किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ये होता है सी ऑप्शन स्पेसिफिक। एस जो स्टैंड करता है वो स्पेसिफिक। तो आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग स्मार्ट का फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलीवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। गेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज, गेस्चर मतलब जो हमारा शरीर की जो जो हरकतें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, गेस्चर।
बैटिंग नेल्स मतलब नाखून चबाना, आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लोग अधिकतर अपने नाखूनों को मुंह में डाल करके चबाते रहते हैं, तो ये हमारे किस प्रक्रिया को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है बॉर्डम, बी ऑप्शन है इनसिक्योरिटी, सी ऑप्शन है कॉन्फिडेंस और डी ऑप्शन है डिफेंसिवनेस। तो यहाँ पे बाइटिंग नेल्स, जो बाइटिंग नेल्स होते हैं नाखून चबाना, ये हमारे असुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। गैशर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग सोज, हमारे शरीर की जो प्रक्रिया होती है ब्रिस्क, ब्रिस्क मीन्स तेज, और एंड इरेक्ट वॉकिंग, इरेक्ट मतलब सीधे तेज खड़े होके चलना, ये हमारे किस प्रक्रिया को शो करती है। ए ऑप्शन है बॉर्डम, बी ऑप्शन है डिफेंसिवनेस, सी ऑप्शन है कॉन्फिडेंस और डी ऑप्शन है इनसिक्योरिटी। ये सवाल आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति तेज चलता है और एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए तेज चलता है, तो ये उसके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो इसके पहले का जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। गैस्चर ब्रिक्स इरेक्ट वॉक सोज, तेज खड़े होके चलना क्या क्या दिखाता है। आपके ऑप्शन है ए इनसिक्योरिटी, बी बॉर्डम, सी कॉन्फिडेंस एंड डी डिफेंसिवनेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, गोल्स जो हमारा लक्ष्य होता है, गोल में लक्ष्य, ये कितने भागों में बटा होता है, कैटेगराइज एज। ऑप्शन है ए गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, बी इनर एंड आउटर, अंदर और बाहर, बी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य, डी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, छोटे समय के लिए और बड़े समय के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा लक्ष्य होता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो हमारा लक्ष्य होता है वो छोटे समय के लिए भी हो सकता है और लंबे समय के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। गोल्स आर क्लासिफाइड एज, ये अभी आप लोगों ने 11th क्वेश्चन जो किया इसके पहले का प्रीवियस क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। गोल्स आर क्लासिफाइड एज, ऑप्शन है ए बी एंड स्मॉल गोल, बी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, सी ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट गोल, डी ऑप्शन है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक गोल। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा लक्ष्य होता है वो लंबे समय और छोटे समय के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हम जब फेस टू फेस कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। पहले तो आप लोग जान जाइए कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे शरीर की जो भाषाएं होती हैं, मतलब यहाँ बॉडी लैंग्वेज का मतलब जो हम अपने शरीर की हरकतों द्वारा जो कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या कितना अकाउंट हम करती है बात को, मतलब बातों में बात करने में हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितना परसेंट अकाउंट करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है 7%, बी ऑप्शन है 38%, सी ऑप्शन है 55% एंड डी ऑप्शन है 100%। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने में हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो अकाउंट करता है 55%, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लेकिन आप लोग जरूरी ध्यान दीजिएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए आइए हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, इंट्रिंसिक मीन्स होता है आंतरिक, मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा है क्या है, आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है शॉर्ट लिव, बी ऑप्शन है लॉन्ग लास्टिंग, सी ऑप्शन है फॉर मनी आर रिवार्ड, डी ऑप्शन है टू गेन सोशल एक्सेप्टेशन। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, हमारी जो आंतरिक प्रेरणा होती है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, हम अगर अपने मन से खुद से जब प्रेरित होते हैं तो ये हमारा क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। खुद से जो हम प्रेरित होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो फिर हम बहुत दिन तक वो काम करते हैं, या हम कहिए जीवन भर उस काम को करते हैं, क्योंकि जब हमें आंतरिक प्रेरणा मिल जाती है कि हमें ये काम करना चाहिए, इस काम को करने से ही हमारी भलाई है या ये काम हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे। लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट, टीचर्स लेक्चर्स कम्स अंडर लिसनिंग, लिसनिंग मीन सुनना, हम लोग जो सुनते हैं रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट, तो ये आप लोग भी जरूर कभी रेलवे स्टेशन या फ्लाइट यानी कि एयरपोर्ट पे जरूर गए होंगे, तो वहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होता है आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे स्पीकर पे चलता रहता है कि ये ट्रेन अब आई, ये ट्रेन गई, कौन सी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर किस पे आ रही है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो वो बोलती है वो कम्स अंडर, वो किस चीज़ के अंतर्गत आ रहा है। पहला है क्रिटिकल लिसनिंग, बी ऑप्शन है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सी ऑप्शन है थेरेपेटिक लिसनिंग और डी ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो भी प्लेटफॉर्म रेलवे और फ्लाइट पे जो अनाउंसमेंट होता है तो टीचर्स लेक्चर्स कम अंडर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है समझना या ध्यान से कोई चीज़ को करना। तो यहाँ पे क्या है, हम आप सब लोगों ने देखा होगा जब भी रेलवे और फ्लाइट पे अनाउंसमेंट होता है तो सभी लोग ध्यान लगा के सुनते हैं कि प्लेटफॉर्म किस नंबर पर आ रही है, किस नंबर से जा रही है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, हम जो गाना सुनते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग, हम गाना सुनते हैं, सभी लोग गाना सुनते होंगे, ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, जो कि हमें खुशी देता है, गाना सुनना हमें खुश रखता है, तो यह किसके अंदर आता है, तो ये हमें जिस चीज से सुनने से खुशी मिलती है गाना सुनना, ये हमारा आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, मतलब हमें हमारे शरीर के दुख को या हमारे मन के दुख को जिसके सुनने से खुशी मिलती है, यानी कि हमारे मन के दुख को कम कर देता है, ऐसे लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह का कोई भी चीज़ सुनना जो कि हमारे शारीरिक पीड़ा यानी कि जो हमें खुशी दे, इस तरह की पीड़ा मतलब पीड़ा को कम करना, इसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। मोटिवेशन इज कैटेगराइज इन टू, मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा, कैटेगराइज बांटना, मतलब मोटिवेशन को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, ए ऑप्शन है इंट्रिंसिव एंड एक्सट्रिंसिव, बी ऑप्शन है गुड एंड बैड, सी ऑप्शन है इनर एंड आउटर, डी ऑप्शन है हाई एंड लो। अभी मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में ही आप लोग को बताया है कि मोटिवेशन जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक और एक्सट्रिंसिव मीन्स बाह्य,
इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो बहुत लंबे समय तक या पूरे जीवन काल तक रह सकते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है ये कम समय के लिए भी रह सकता है। तो आप लोग मोटिवेशन को अगर कोई भी पूछता है तो आप इसको बताएंगे कि यह दो भागों में बटा होता है, पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य, यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। Noise, physical discomfort of hotness or coldness comes under. शोरगुल और शारीरिक जो हमारी शारीरिक जो बाधाएं होती हैं, मतलब हमारे शरीर को जो कष्ट देता है, ऑफ हॉटनेस आर कोल्डनेस, गर्मी और ठंडी से, तो ये क्या होता है, कम्स अंडर, ये किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें है पहला ऑप्शन ए कल्चर बैरियर, बी ऑप्शन है लैंग्वेज बैरियर, सी ऑप्शन है परसेप्शन बैरियर और डी ऑप्शन है एनवायरमेंट बैरियर। ये आपको ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो नॉइज, शोरगुल या जो हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें आती हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस, सर्दी और गर्मी से हमारे शरीर में जो सर्दी और गर्मी या शोर, इन सब जो चीज़ें होती हैं, सब किससे होती हैं, एनवायरमेंट बैरियर, जो हमारे पर्यावरण में जो बाधाएं आती है उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड रीच एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, मतलब हमारी आवाज में उतार और चढ़ाव जो आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है ए वॉवेल, बी ऑप्शन है इंटोनेशन, सी ऑप्शन है कॉन्सोनेंट और डी ऑप्शन है प्रोनाउंसिएशन। इसी को रीच एंड फॉल, आप लोग देख रहे हैं राइज एंड फॉल, राइज मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, फॉल मीन्स गिरना, हमारी आवाज में जो उतार और चढ़ाव होता है इसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है इंटोनेशन, इसका मतलब ही होता है आवाज में उतार और चढ़ाव होना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है इंटोनेशन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर्स इज कॉल्ड हम मानव जाति में जो सही और गलत, जो आचार और विचार होते हैं इसको हम क्या कहते हैं। यही पूछा जा रहा है कि हम मानव द्वारा जो गलत और सही कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मोटिवेशन, बी ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस, सी ऑप्शन है इथिक्स और डी ऑप्शन है गोल। मोटिवेशन का मीन्स आप लोग जान ही रहे हैं, प्रेरणा, सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद से अपने आप को अवेयर करना, सी ऑप्शन है इथिक्स, इथिक्स का मतलब होता है आचार और विचार। ऐसी पढ़ाई, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन इंडिवर्स इज कॉल्ड, हम मनुष्य को सही और गलत को किस स्टडी में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देख के ही समझ रहे होंगे, इसमें सी ऑप्शन इथिक्स सही होगा। और ये इथिक्स हम अपने घर में बचपन से ही सीखते आते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें सही बोलना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, इस तरह के जो आचार और विचार होते हैं ये हमें मनुष्य को सही और गलत दिशा में ले जाते हैं। तो इसकी जो पढ़ाई होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इथिक्स कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, हम जो कोई भी रोल प्लेइंग वाला रोल प्ले करते हैं तो उसमें क्या कमी होती है। पहला ऑप्शन है ए बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बी ऑप्शन है डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सी ऑप्शन है डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, डी ऑप्शन है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके पहले का जो मैंने पेपर कराया था, इसके पहले के वीडियो में मैंने इस तरह रोल प्लेइंग के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इसका रोल प्ले में हमें
क्या कमी होती है? पहला बिल्ड कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है, रोल प्ले हम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बढ़ता है। बी ऑप्शन है डेवलप लिसनिंग स्किल, हमारी सुनने की जो क्षमता होती है, कौशल होता है, वो भी डेवलप होता है। फिर डी ऑप्शन है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सही है, हमारे अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता भी बढ़ती है। और सी ऑप्शन है डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, हमें ये प्रोवाइड, क्या हम रोल प्ले करते हैं तो क्या वो हमारे रियल सिचुएशन से प्रोवाइड होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम पहले उस सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन, हम सबसे पहले सॉल्यूशन खोजते हैं, यानी कि समस्या का समाधान खोजते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ए लुक फॉर अल्टरनेट, बी रूट कॉज एनालाइज, सी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डी इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना, सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हम जो सॉल्यूशन खोजते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, लुक फॉर अल्टरनेट, रूट कॉज एनालाइज, डी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानते हैं कि हमारी समस्या सबसे पहले है क्या। ए ऑप्शन है लुक फॉर अल्टरनेट, हम उसके अल्टरनेट में कुछ नहीं देखते हैं कि इसके बदले में क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, जो हमें प्रॉब्लम मिली है उसी को ही हम सॉल्व करते हैं। बी है रूट कॉज एनालाइज, मतलब हम उसके जड़ तक जाते हैं कि कहाँ से ये शुरू हुई, क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, पहले जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के, अरे सॉरी, जो प्रॉब्लम होती है उसमें पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना, मतलब हम जब भी कोई क्वेश्चन, सॉरी प्रॉब्लम जब कोई खोज हमें दिखती है, तो सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन खोजते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम उस पर लागू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए अपने अगले सवाल पर। विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, कौन सा फैक्टर, इसमें से कौन सा कारक ऐसा है जो कि हमें मोटिवेट पीपल, हमें प्रेरित करता है, प्रेरित करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ फोकस, लैक मीन्स होता है कमी, बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सी लैक ऑफ डायरेक्शन, डी ऑप्शन है लैक ऑफ नर्वसनेस। तो हमारे अंदर जब नर्वसनेस की कमी, मतलब हम अगर नहीं घबराते हैं तो हम अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम नर्वस ही रहेंगे तो हम कभी मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज थ्री पीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, हमारा ये पब्लिक स्पीकिंग में जो थ्री पी होता है वो क्या चीज के लिए स्टैंड करता है? ए ऑप्शन है पोजेस, बी पोजेस प्रेजेंट प्रैक्टिस, बी ऑप्शन है प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, सी ऑप्शन है पब्लिश प्लीजेंट एंड परफेक्ट, डी ऑप्शन है परफेक्शन परफॉर्म एंड पेंस टॉकिंग। तो इसमें क्या आपका सही हो जाएगा, 24 में आपको ये याद करना होगा, जो कि हमारे थ्री पीज होते हैं ये स्टैंड करते हैं। बी ऑप्शन है प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब क्या करना, हमें तैयारी करना, प्रिपेयर का मतलब हम किसी काम करने के लिए जो पहले से तैयारी करते हैं उसको हम प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रैक्टिस, फिर हम उसको करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर परफॉर्म, फिर हम क्या करते हैं, कहीं जा करके उसकी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे जो थ्री पी है इसका, ये प्रिपेयर प्रैक्टिस और परफॉर्म के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Which one is a do's for interview etiquette? एटिकेट में शिष्टाचार, इंटरव्यू, हम जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें डूज मतलब क्या करना चाहिए, इसमें से हमें क्या करना चाहिए. ए ऑप्शन है नर्वसनेस, बी ऑप्शन है इनफॉर्मल ड्रेस और सी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको मैं सही कर देती हूँ. यहाँ पे है आपका, ये स्पेलिंग सही हो जाएगी, काम अप्रोच, काम अप्रोच. और डी ऑप्शन है एक्सेसिव गेस्चर. तो यहाँ पे जो है, हमें जब कहीं हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा जो मैनर होता है वो क्या होता है. यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, काम अप्रोच, यानी कि हमें वहाँ शांति दृष्टिकोण से बैठना चाहिए. अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण, काम मीन्स शांत. हमें वहाँ शांतिपूर्वक बैठना चाहिए, अपने इंटरव्यूअर की बात सुननी चाहिए, फिर हमें उसका जवाब देना चाहिए. तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये सही होगा. आइए अगले सवाल पर चलते हैं. विच वन इज डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट, हमें इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए. ए क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ए है. बी कॉन्फिडेंट, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए. बी ड्रेस अप्रोप्रिएटली, हमें अपना जो वस्त्र है वो सही तरीके से पहनना चाहिए. सी प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, हमें हमारा जो आई कॉन्टेक्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. डी लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब, हमें अपने काम को करने के लिए जो हमारी एबिलिटी है मतलब जो हमारी काबिलियत है उसको लेकर के हमें झूठ बोलना चाहिए, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे जो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है कि हमें इंटरव्यू के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इंटरव्यू के दौरान अपनी जॉब में जो काबिलियत है उसको लेकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो आइए अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं. Which one is a barrier to speaking? Which one? बोलने के लिए, barrier means बाधाएं. बोलने में क्या बाधा पैदा हो सकती है? A. Poor listening. B. Lack of time. C. Nervousness. D. Reluctant to read. यहाँ पे ऑप्शन है poor listening, B. Lack of time. C. Nervousness. And D. Reluctant to ब्रीड. यहाँ पे है क्या, हमें बोलने में क्या बाधाएं हो सकती हैं, आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा कि नर्वसनेस. अगर हम नर्वस अपने अंदर, हमारे अंदर घबराहट रहेगी तो हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपका जो है 27 का सी ऑप्शन सही होगा. आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी गलती लगे आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. 28 क्वेश्चन. Which one is a do in interview etiquette? हमें इंटरव्यू, सेम क्वेश्चन है कि हमें इंटरव्यू के दौरान क्या करना चाहिए. जब डूज आएगा तो करना चाहिए और डोंट आ जाएगा तो नहीं करना चाहिए. ए ड्रेस टू कैजुअली, बी लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट जॉब, सी बी कॉन्फिडेंट, डी टुक एक्सेसिव इन गेस्चर. आपको ऑप्शन ही देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें सी ऑप्शन सही होगा. हमारा जो एटिकेट इंटरव्यू के दौरान होता है हमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. कॉन्फिडेंट का मतलब कि हमें आत्मविश्वास के साथ वहाँ पे रहना चाहिए. तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाए, अरे सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी कॉन्फिडेंट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि गुड कम्युनिकेशन को दर्शाता है या बताता है. ए ऑप्शन है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, बी ऑप्शन है मैसेज इज एम्बिगस, फिर सी ऑप्शन है सेंडर अटैक्स रिसीवर, डी ऑप्शन है रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर. ए ऑप्शन आपका क्या है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, जो मैसेज होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए. बी ऑप्शन है मैसेज इज एम्बिगस, एम्बिगस का मीन्स होता है अस्पष्ट, क्या मैसेज अस्पष्ट होना चाहिए मतलब कि साफ सुथरा नहीं होना चाहिए. सी ऑप्शन है सेंडर अटैच टू
रिसीवर, जो भेजने वाला है वो डायरेक्ट रिसीवर जो रिसीव करने वाला है उसके ऊपर आक्रामक मतलब अटैक करना, और रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, जो रिसीवर है वो सेंडर जो भेजने वाला है उसको सुन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख करके ही लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही है, कि हमारा जो मैसेज होता है वो क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए, हमें जिससे बात करनी है जिसको मैसेज हमें पहुँचाना है उसको हमें साफ सुथरे शब्दों में और डायरेक्ट ही पहुँचाना चाहिए। तो इसमें आपका 29 ऑप्शन 29वें सवाल में 29 सवाल में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अपने 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज एन ईमेल एटिकेट, हम जो ईमेल भेजते हैं, ईमेल सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें हम क्या करते हैं एटिकेट, इसमें हमारा जो ईमेल भेजते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए कीप ईमेल शॉर्ट, बी सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, सी फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, डी यूज ऑल कैप्स आर स्मॉल लेटर इन ईमेल। ए ऑप्शन है कि ईमेल कीप इसमें ईमेल शॉर्ट, हमें जो ईमेल है वो छोटे शब्दों में संक्षिप्त रूप में भेज देना चाहिए। बी ऑप्शन है सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, हमें क्या करना चाहिए, वायरस से जो इन्फेक्टेड मेल होता है उसको भेज देना चाहिए। सी ऑप्शन है फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, हमें झूठे मैसेज भेज देने चाहिए। डी ऑप्शन है यूज ऑल कैप्स आर स्मॉल लेटर इन ईमेल, हमें इसमें ईमेल भेजते हुए सारे कैप्स और छोटे शब्द स्मॉल लेटर्स का यूज करना चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो ईमेल होता है वो शॉर्ट होना चाहिए। ये आप लोग भी शायद जनरली यूज करते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ईमेल हमें बहुत कम शब्दों में और साफ सुथरा और सही तरीके से भेजना चाहिए। तो 30 सवाल का जो है आपका ऑप्शन ए सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one is considered to be a good communication? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा गुड कम्युनिकेशन को दिखाता है? ए ऑप्शन है मैसेज इज एम्बिगस, बी ऑप्शन है सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, सी ऑप्शन है रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, डी ऑप्शन है सेंडर अटैक रिसीवर। इसके पहले का आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, भेजने वाले को हमेशा क्या करना चाहिए, लेने वाले की तरफ से पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो खराब कम्युनिकेशन को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मैसेज इज एम्बिगस, बी ऑप्शन है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, सी ऑप्शन है रिसीवर इज ओपन टू लिसन, डी ऑप्शन है सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर। इसमें ऑप्शन में क्या कहा गया है कि कौन सा खराब मैसेज को दर्शाता है, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए ऑप्शन है मैसेज इज अम्बिगस, इसका मतलब क्या है कि मैसेज जो है वो अस्पष्ट होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा नहीं लिखा हो, या जिसने भी मैसेज भेजा है उसकी बातें मुझे समझ में ना आए, और बी ऑप्शन है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मैसेज साफ सुथरा और डायरेक्ट होना चाहिए, और सी ऑप्शन है रिसीवर इज ओपन टू लिसन, जो रिसीव करने वाला होता है वह उसको खोल के सुन सके। बी डी ऑप्शन है सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, भेजने वाला लेने वाले के लिए हमेशा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, मैसेज इज अम्बिगस, यानी कि मैसेज अगर अस्पष्ट रहेगा तो ये हमारे खराब कम्युनिकेशन को ही दर्शाता है। आइए 33 सवाल पे चलते हैं। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन के लिए बेनिफिट यानी कि फायदेमंद नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इट इज क्विक, यह बहुत जल्दी होता है, बी ऑप्शन है इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए होता है, सी ऑप्शन है इट इज डायरेक्ट, यह डायरेक्ट होता है,
डी ऑप्शन है, फीडबैक इज इमीडिएट, इसका हमें रिस्पांस जल्दी मिल जाता है। तो आपको ये देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ओरल कम्युनिकेशन जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसमें हमें क्या फ़ायदा नहीं मिलता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा कि इसको हम रिकॉर्ड के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह मौखिक भाषा में होता है, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है। आइए 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग, ट्रिपल ए लिसनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन है ए एनजाइटी, बी एटीट्यूड, सी अटेंशन, डी एडजस्टमेंट। एनजाइटी मीन्स चिंता, एटीट्यूड मीन्स रवैया, सी अटेंशन, अटेंशन मतलब किसी की तरफ ध्यान देना, और डी एडजस्टमेंट किसी चीज आपस में सामंजस्य स्थापित करना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रिपल ए लिसनिंग में हमारा ए ऑप्शन गलत है, एनजाइटी। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एनजाइटी। आइए अब 35 सवाल पे चलते हैं। विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, आप लोगों को पता होगा कि जो आर्टिकल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है ए, सेकंड आर्टिकल एन, और थर्ड ऑप्शन और थर्ड आर्टिकल द। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं ए में ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में एन, सी ऑप्शन में इन, और डी ऑप्शन में द। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए एंड द ये तीनों आर्टिकल होते हैं और जो इन होता है ये क्या होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। चलिए आइए अपने 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ थ्री पीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये अभी आप लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया ही था, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा ऑप्शन का चेंज हो गया है कि थ्री पीज में क्या क्या एलिमेंट स्थापित होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा एलिमेंट नहीं होता है। ए ऑप्शन है प्रिपेयर, बी ऑप्शन है प्रैक्टिस, सी ऑप्शन है पोजेस, और डी ऑप्शन है परफॉर्म करना। तो अभी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा ही था कि थ्री पीस का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। यहाँ पे सी ऑप्शन है पोजेस जो कि सही है। आइए 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, कौन सा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारक एसेंशियल आवश्यक कारक नहीं है? तो इसमें ए कमिटमेंट, बी इंटीग्रिटी, सी कॉन्फिडेंस, डी अनइथिकल वर्क। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, अनइथिकल वर्क। हम अगर हमें अपने अचीव मतलब अपने हमें सक्सेस को अगर प्राप्त करना है तो हमें अपने शिष्टाचार को सही रखना होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन मतलब जो आचार विचार करने की जो सभ्यता है ये सही होनी चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो इसमें क्या है आपका, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब आते हैं हम लोग अपने 38 क्वेश्चन पर। विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड का आउटकम है नहीं है? ए ऑप्शन है एंथुसिएज्म, बी ऑप्शन है क्रिएटिविटी, सी ऑप्शन है बोर्डम, डी ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका आउटकम क्या होता है, उसका आउटकम क्या है, एंथुसिएज्म भी है, बी क्रिएटिविटी भी है, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी है, सी बोर्डम, बोर्डम मतलब निरस्ता बोरियत, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी हमारे तरफ से अगर किसी भी के प्रति या किसी काम के प्रति अगर पॉजिटिव रवैया है तो हमारा जो आउटकम है उसका जो निकलने वाला निष्कर्ष है वो कभी निरस्तापूर्वक हो ही निरस्तापूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपका 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे।
Which one is the latest and effective means of modern communication? इसमें पूछा है कि इस समय हमारा सबसे लेटेस्ट और इफेक्टिव सबसे प्रभावशाली मॉडर्न कम्युनिकेशन कौन सा है. ए फैक्स, बी पोस्टल मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी मैसेज थ्रू टीवी. तो आप सभी को पता होगा कि हमारे इस वक्त मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल. तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, आप लोग प्लीज़ इसको बार बार देखिए और क्वेश्चन को पहले समझिए फिर इसका उत्तर जरूर दीजिए. और सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए फिर इसके उत्तर को दीजिए. ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.